तो फिर आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जज उनको करने दो। आप यहाँ पर छुपा छुपा के लोग बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, कर तो बहुत कुछ रहे, नहीं बताना चाहिए। आज सिंपल है, इंटर कब किया आपने? आज से 2 साल पहले, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 1 साल, फिर कोई वेट भी कर रहा होगा आई थिंक, इंटर रिजल्ट आई वो तो होगा नहीं, लास्ट ईयर पास होगा, तो पेपर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ो 19, 18, 18 बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आप क्या बोलोगे? अरे ये चीज बोलो, ऊपर वाले रिसेंटली पेटेंट में भी बताने वाले हैं क्या करना है। 20 दिन से सीखना है, पर स्विंग नहीं करना, फॉलो करना, पीछा करना, जो चीज कंप्लीट ना उसको। डूइंग का मतलब क्या होता है? करना। तो आई एम डूइंग बीए, बीए करता नहीं हुई, सिंपल पर्सुइंग वर्ड है, उससे बेहतर वर्ड है ही नहीं। वो तो नहीं आता तो आई एम डूइंग बोल रहा है। अब बोलिए फिर से वंस मोर कि हम पहला वर्ड है दिस डेज, पर्सुइंग, ग्रेजुएशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुमने बोला बीएससी तो फंस गए, बीए बोला तो दिक्कत, बीकॉम बोला तो दिक्कत, सिंपल है। क्या बोले? ठीक है, थोड़ा सा बता सकते हो जिस जो शहर में, कॉलेज बताने की जरूरत नहीं, फ्रॉम आगरा, और कॉलेज आगरा, हाँ यूनिवर्सिटी वर्ड लगाओगे तो मजा अच्छा बड़ा दिखेगा, तो आगरा यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी, क्योंकि बेसिकली कानपुर का नाम है ही नहीं कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज। तो आपको यहाँ गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो दिमाग में इसको ये भी नहीं मालूम है कानपुर यूनिवर्सिटी।